8 तारीख रात 8 बजे देश के करोड़ों लोग सुख चैन की नींद सो गए। और देश के लाखों लोग नींद के लिए गोलियां खरीदने जा रहे हैं, गोलियां नहीं मिल रही हैं। हम जानते हैं, आपको भी पता है कि दिल्ली के किसी बाबू का ये गोवा में फ्लैट बना हुआ है ना। मैं गोवा के बिल्डरों से मेरी शिकायत नहीं है, उनका तो काम है मकान बेचना, लेकिन गोवा में जिसकी 7 पीढ़ी में कोई गोवा रहता नहीं है, वो पैदा हुआ कहीं और काम कर रहा है दिल्ली में, बड़ा बाबू है, फ्लैट खरीदा गोवा में, किसके नाम? खुद के नाम खरीदते हैं क्या? औरों के नाम से खरीदते हैं कि नहीं खरीदते लोग? हमने कानून बनाया, जो भी बेनामी संपत्ति होगी, दूसरे के नाम की संपत्ति होगी, हम कानूनन अब उस पर हमला बोलने वाले। ये संपत्ति देश की है, ये संपत्ति देश के गरीब की है, और मेरी सरकार सिर्फ और सिर्फ देश में से गरीबों की मदद करना मेरा कर्तव्य मानती है और मैं उसको करके रहूंगा। हमने देखा है घर में शादी हो, ब्याह हो, कुछ काम हो, ज्वेलरी खरीदते हैं, बीवी का जन्मदिन हो, ज्वेलरी खरीदते हैं, कभी सोना खरीदते हैं, और ज्वेलर भी कोई बात नहीं, ले जाइए साहब, थैला भर करके ले आइए, ले जाइए, न बिल देना, न लेना, न कोई हिसाब रखना, कुछ नहीं साहब, चल रहा था कि नहीं चल रहा था, सब कैश चलता था कि नहीं चलता था, ये कोई गरीब लोग करते थे क्या? ये बंद होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हमने नियम बनाया कि 2 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप गहने खरीदते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, तो आपको आपका पैन नंबर देना पड़ेगा ही। भाइयों बहनों, कुर्सी के लिए फायदा नहीं, मेरे देशवासियों, मैंने घर परिवार सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के द्वारा गरीब से गरीब का बैंक अकाउंट खोलना, उस समय लोगों को समझ नहीं आया कि मोदी बैंक अकाउंट खोला कह रहा है, अब लोगों को समझ आएगा कि इस बैंक अकाउंट का क्या फायदा होने वाला है। करीब करीब 20 करोड़ से ज्यादा लोग गरीब लोगों के बैंक अकाउंट खोले,
और हिंदुस्तान में अमीर लोगों के जेब में बटवे में भांति भांति बैंक को क्रेडिट और डेबिट कार्ड होते हैं। गरीब तो बेचारा सोच ही नहीं सकता था ऐसा भी कोई कार्ड होता है, कार्ड से मिल जाता है कुछ, पता नहीं था उसको। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जनधन योजना के लिए बैंक के खाते खोले ऐसा नहीं, इस देश के 20 करोड़ लोगों को हमने रुपए कार्ड दिया है, डेबिट कार्ड दिया है, और ये आज से एक साल पहले किया हुआ है। और मैंने उस रात को भी कहा था कि इस निर्णय से तकलीफ होगी, असुविधा होगी, कठिनाइयां होगी, ये मैंने पहले दिन कहा है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आज देश के उन करोड़ों लोगों के सामने सर झुकाता हूं कि सिनेमा के थिएटर पर लाइन लगाते हैं ना, वहां भी झगड़ा हो जाता है। मैं देख रहा हूं पिछले 4 दिन से हजारों लोग पैसों के लिए कतार खड़ा के लग गए हैं, लेकिन हर एक के मुंह से एक ही आवाज आ रही है कि ठीक है, मुसीबत हो रही है, तकलीफ हो रही है, पैर दुख रहे हैं, लेकिन देश का भला हो। मैं आज सार्वजनिक रूप से बैंक के सभी कर्मचारियों का अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। आइए मेरे साथ चलिए, सिर्फ 50 दिन, 30 दिसंबर के बाद मैं आपने जैसा हिंदुस्तान चाहा है वो देने का वादा करता हूं। दिन के बाद हम सफाई में सफल हो गए, और एक बार सफाई हो जाती है ना तो छोटा मोटा मच्छर भी नहीं आता है मेरे प्यारे भाई, है ना, छोटा मोटा मच्छर भी नहीं। मुझे विश्वास है, मैंने लड़ाई ईमानदार लोगों के भरोसे शुरू किए, और ईमानदार लोगों की ताकत पर मुझे पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है। और आपने देखा कैसे कैसे लोग 2G स्कैम, कोयला स्कैम, अरबों खरबों, मालूम है ना सर, मालूम है ना, आज 4,000 रुपया बदलने के लिए लाइन में खड़े रहना पड़ता है जी। सरकारें तो आती और चली जाती मेरे भाई बहनों, ये देश अजरा अमर है, ये देश का भविष्य उज्जवल है, इस उज्जवल भविष्य के लिए कष्ट झेलना कुछ, मैं कभी कभी हैरान हूं। अभी कल मुझे एक पत्रकार बंधु से बात हुई, मैंने आप तो मुझे दिन रात कहते हो मोदी जी बस युद्ध हो जाए, युद्ध हो जाए। मैंने कहा फिर तकलीफ होगी तो क्या करोगे,
बिजलियां बंद हो जाएगी, चीजें आना बंद हो जाएगी, रेलवे कैंसिल हो जाएगी, रेलवे में फौज के लोग जाएंगे, आप नहीं जा पाएंगे, तब क्या करोगे? अच्छा, बोले ऐसा होता है। कहना बड़ा सरल होता है भाई, उपदेश देना बड़ा सरल होता है। जब निर्णय करते हैं तब उसके साथ चलना सामान्य मानवीय की कोई तकलीफ नहीं होती। मैं देशवासियों को एक और कहना चाहता हूं, इन दिनों बहुत लोगों की इस भ्रष्टाचार या काले धन के मुद्दे पर बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि जो भी बोला है पकड़ा जाता है, क्या तुझ कुछ दान में काला है, है हर कोई हंसते हुए चेहरे बोल रहा है लेकिन मोदी जी ने अच्छा किया। फिर किसी दोस्त को फोन करता है, यह कोई रास्ता है, तो कहता है यार जी है सारे रास्ते बंद कर दिए। इसलिए अफवाहें फैलाते हैं, एक दिन अफवाह फैलाई, नमक महंगा हो गया। अब बताइए भाई, 500 की नोट और 1000 की नोट, कोई है जो 1000 की नोट लेके नमक लेने जाता है? ये इसलिए किया जाता है कि उनको मालूम है कि उनका लूट रहा है, 70 साल से जमा किया हुआ, महंगे से महंगे ताले लगाए थे, कोई पस्ती लेने वाला नहीं है, पस्ती लेने वाला नहीं है। भिखारी भी मना करता है, ये साहब 1000 का नोट नहीं चाहिए। भाइयों बहनों, ईमानदार को कोई तकलीफ नहीं है। कुछ लोग अपनी नोट कहते हैं, मुझे सच मालूम नहीं लेकिन चर्चा चल रही है, कहते 450 में बेच रहा है, कोई 500 के नोट, कोई 300 में दे रहा है। मैं देशवासियों कहता हूं, आपका 500 रुपया में से एक नया पैसा कर्म करने की ताकत किसी की नहीं है। आपका 500 रुपया मतलब 499 and 100 पैसा पक्का। लेकिन ये एंड नहीं है, ये पूर्ण विराम नहीं है। मैं आज खुल करके कहता हूं, ये पूर्ण विराम नहीं है। देश में भ्रष्टाचार बेईमानी बंद करने के लिए मेरे दिमाग में और भी कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये आने वाले हैं, ये ईमानदार लोगों के लिए मैं कर रहा हूं जी, देश के गरीब लोगों के लिए कर रहा हूं। मेहनत करके जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको अपना घर मिले, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उनके घर में बुजुर्गों को अच्छी दवाई मिले, इसके लिए मैं कर रहा हूं। मुझे गोवा वासियों के आशीर्वाद चाहिए। आप खड़े होकर के ताली बजा करके मुझे आशीर्वाद दें, देश देखेगा, देश देखेगा ईमानदार लोग। इस देश में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है, इस देश में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है। आइए आइए, ईमानदारी के स्थान में मेरा साथ दीजिए। साबास साबास मेरे गोवा के प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपका सर झुका करके नमन करता हूं। ये सिर्फ गोवा नहीं, ये सिर्फ गोवा नहीं, ये हिंदुस्तान के हर ईमानदार की आवाज है, हिंदुस्तान के हर ईमानदार की आवाज है। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है, मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे, मैं जानता हूं। 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे, उनको जो करना है करे। 50 साल भाई बहनों, 50 दिन मेरी मदद करे, देश 50 दिन मेरी मदद करे। जोर से तालियों के साथ मेरे इस बात को स्वीकार कीजिए।
बहुत बहुत धन्यवाद।